करके लेके जाना है। और ये देखिए इतना सा हम ले लीजिए मेरे हाथ का सोयाबीन का सब्जी। तो चलिए खाना खा लेते हैं। वारंटी पीरियड 90 डेज तक है, तो 90 डेज के अंदर हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? अभी मेरे लाइफ में बहुत ही टेंशन चल रहा है। वैसे जानकारी के लिए बता दे, माय नेम वैशाखी एंड मेरा चैनल नेम है वैशाखी सेठ। आज का हम ब्रेकफास्ट जो है ओट्स लिए है, ओट्स के साथ हम लिए थे कॉफ़ी, तो वही हम और बेटे के लिए मैगी बना के दिए थे और उसके साथ साथ थोड़ा सा फ्रूट्स था, तो वही हम ब्रेकफास्ट में ले रहे थे। वैसे मेरे चैनल वैशाखी शेड में आप लोगों को लाइफस्टाइल वाला व्लॉग मिलेगा, ट्रैवल मिलेगा, फैशन, ब्यूटी, शॉपिंग, ये सारा मतलब ज़िंदगी में जो हम सबके साथ होता है वो सभी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो इमोशन है लाइफ का, जो टेंशन है और ज़िंदगी में जो सर्वाइवल मोड है, वो सब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत टेंशन मेरे फेस में रहेगा, आप लोग देख ही रहे हो। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, क्यों रहेगा वो हम ज़रूर बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते रहिए। सो गाइस, नाउ अभी घड़ी में बज रहा है 11:20, अभी हम निकलने वाले हैं। अभी देखिए ये बंदा भी रेडी हो चुका है टोपी वोपी पहन के, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं वो बेटे का जो टैब है उसको लेके, उसका मतलब क्या हो रहा था, सैमसंग का टैब है तो उसका स्विच ऑन नहीं हो रहा था, वो चार्ज देते हुए गिर गया था, तो इसके वजह से स्विच ऑन नहीं हो रहा था। और क्या ही बोले, उसका मतलब हम ओपन करने की कोशिश किए थे, तो इसके लिए जो आपका जो चार्जर का एरिया है वो थोड़ा मतलब ख़राब हो चुका है, तो सर्विस सेंटर पे लेके गए थे सैमसंग का सर्विस सेंटर पे। उधर जाके वो लोग बोले कि दो चीज़ रिपेयरिंग के लिए 1200 समथिंग लगेगा, तो वैसे अगर लोकल करवाते हैं तो उसमें हम लोगों का आ जाता है 300-400 तक, लेकिन सर्विस सेंटर पे देना था तो इसके लिए हम 500 रुपीज़ एडवांस पे करके आए हैं। तो उसी चीज़ के लिए अभी मम्मा बेटा निकल रहा है। इधर हम मतलब रसोई में किचन में हम राइस बना के जा रहे हैं, आके हम बाकी का मतलब है एक ही सब्जी बनाएंगे, क्योंकि आज का भी मतलब इवनिंग में बेटे का एक दोस्त का इन्विटेशन है, तो उसको अटेंड करना है इन्विटेशन तो वही चीज़ हम जाएंगे और देखेंगे उसके मतलब दोस्त के लिए क्या गिफ्ट लेके आ सकते हैं, तो वही गिफ्ट ला के पैक करना है। तो बस यही है आज के दिन, दो काम निपटाना है, एक है वो सर्विस के लिए फ़ोन का, और हाल ही में माय लैंडलॉर्ड केम एंड शी यूज़ टू आस्किंग अबाउट वो लोग, ये वाला जो घर है ये मतलब मेरा 3 इयर्स यहाँ पे हो चुका है, अभी आगे देखते हैं, अभी तक तो कुछ सोचे नहीं क्या करने वाले हैं क्या नहीं, तो देखते हैं ऊपर वाला कितना हद तक मेरे साथ है। तो आप लोग रहिए आज के दिन मेरे साथ, तो अभी निकलते हैं, चलिए। दिस इज़ द सेकेंड विजिट ऑफ दिस सर्विस सेंटर। एक तो टेंशन में मेरा हाथ पैर एकदम से मतलब क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी तो चैनल का मोनेटाइजेशन पता नहीं कब मिलेगा, और देखिए इधर मतलब मोर देन 10,000 के ऊपर का मतलब धक्का, क्योंकि टैब का जो है उसका जो ख़राब हुआ है वो अगर सही हो जाता है तो ऊपर वाले के दुआ से वो कुछ दिन हम मतलब झेल सकेंगे। सो सर्विस सेंटर से हम लोग आ गए, वो टैब का जो करवाना था हो गया, जो पार्ट्स था वो लोग इसमें डाल दिए, दो पार्ट्स था, एक था आपका स्विच ऑफ मतलब फ़ोन ऑफ एंड ऑन का, और दूसरा वाला था जहाँ पे चार्जर पुट इन होता है वो वाला पार्ट, तो वो दोनों पार्ट खराब हो गया था, इसके वजह से वो लोग ये चेंज करके दिए हैं, और बोले हैं कि जो नया वाला पार्ट्स मिला है वो सैमसंग का है, लेकिन उसका मतलब वारंटी पीरियड 90 डेज तक है, तो 90 डेज के अंदर अगर कुछ हैसल होता है तो आई कैन चेंज अंडर एनी काइंड ऑफ सैमसंग सर्विस सेंटर पे जाके वो हम करवा सकते हैं। जो बिल दिया है वो बोले हैं कि ठीक से रख देने के लिए, तो ये वाला काम तो हो चुका है। अभी हम घर आके जल्दी से आप लोगों को दिखाते हैं, बेटा गए हैं नहाने के लिए, अभी इधर ये हम मतलब सोयाबीन यहाँ पे भिगो के गए थे और इधर ये हम मतलब चॉप करके ही गए थे, तो अभी हम क्या करेंगे इसको एक साथ करके ब्लेंड में डाल के ब्लेंडिंग में ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है, वो हम तो मिर्ची लाना भूल गए, तो इधर एक मिर्ची डाल दी और एक मिर्ची रखे बस इसका टेस्ट की वजह से, क्योंकि बेटा को खाना है तो ज़्यादा मिर्ची डालेंगे तो बहुत तीखा बन जाएगा, तो इसके वजह से हम इसमें टमाटर डाल दे रहे हैं एक साथ, और जिंजर भी डाल देंगे, वाई द वे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा नहीं तो ये अटक जाएगा, तो फिर ये वाला टमाटर इसमें डाल दिए, मुझे लगता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे,
वो वीडियो बनाने के चक्कर में ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसलिए चारों तरफ देखिए ऐसे आ गया, इसलिए हम बंद कर दिए इंडक्शन का जो है बंद कर दिए। तो अभी इसको धीरे से ऑन कर देंगे और इसमें जाएगा हल्दी और नमक। तो इधर देखिए हम 100 पे रखे थे, अभी थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे और इसमें हम टी स्पून नमक डाल दिए और उसके साथ साथ आई वॉज एड 1 टीस्पून ऑफ हल्दी। तो अभी इसको अच्छा से पकाएंगे और फिर इसके बाद ये जो सोयाबीन है ये इसके अंदर डाल देंगे। और मेरे पास कैरेट भी है, इसके साथ हम कैरेट भी डाल सकते हैं। तो अभी इसमें डाले गरम मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सा हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, तो बस इतना तक। ये ब्राउन वाला शुगर है, तो बस अभी ये हो जाएगा तो खाने के लिए रेडी हो जाएगा। और आप इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो लास्ट में। सो गाइस, आज का वीडियो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो फिर वहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, आप लोगों को खाना मम्मी ने बना लिया है, हम खाना खाने वाले हैं और वहाँ मम्मी कपड़े सुखाने गई है। सो फिर चल लिए मम्मी से थोड़ा सा मिल लेते हैं। ये देखिए, हाई बोलो। हाय। ये देखिए। सो फिर हम लोगों का खाना खाने के बाद हम गिफ्ट भी रैप करेंगे उसके साथ। दिखा पहले। दिखा दिया। उसके बाद उसके बाद हम लोगों को खाना खाने के बाद वो हम लोगों को गिफ्ट भी रैप करना है। गिफ्ट रैप करने के साथ हम लोगों को गेट से रेडी भी करना है आप लोगों के साथ। सो फिर रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में। थैंक यू। सो दिस इज आवर खाना, ये बेटे का है और ये वाला मेरा है और फोन अभी रेडी होके आ चुका है। तो बस खाना खा लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके बाद हम नहा लेंगे, फिर उसके बाद हम गिफ्ट रैप करेंगे, उसके बाद गेट रेडी विथ में आप लोगों के साथ शेयर करना है। क्योंकि पिछले बार जो बोदरी वाला डाले थे व्लॉग, उसमें गेट रेडी विथ में हम दिखा ही नहीं पाए। एक्चुअली क्या हुआ था, आई वॉज प्रिपेयर माई सेल्फ एंड सडनली आई जस्ट फॉगट अबाउट के वो आतर आता है ना जो ऑयल से मतलब होता है, वो हम इधर डाल दिए तो इधर स्पॉट आ गया। फिर उसके बाद मुझे ड्रेस चेंज करके निकलना पड़ा। खैर जो भी है, उस टाइम हम शेयर नहीं कर पाए। अभी कोशिश में रहेंगे कि आज गेट रेडी विथ में आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर पाए। तो चलिए देखिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। ये है बेटे का राइस और ये सोयाबीन का मतलब जो सब्जी बनाए, ये है मेरा राइस और ये वाला सोयाबीन का सब्जी। तो अभी हम लोग खाना खा लेंगे, चलिए आप लोग भी खा लीजिए, जैसे आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही है। ये लीजिए मेरे हाथ का सोयाबीन का सब्जी। तो चलिए खाना खा लेते हैं। वेरी व्हाट? वेरी वेरी नाइस, आई लाइक इट। और कोई दूसरा वर्ड है तुम्हारे पास बोलने के लिए? और कुछ बोलो बोलो। It is very delicious. Now it's okay. देखो भात गिर रहा है, इधर से राइस गिर रहा है, देख के खाओ। तुमको स्पून दिया ना? I have already done my base makeup. तो base makeup पे जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम वैसलिन ग्लूटा हुआ यूज़ कर लेते हैं और उसके साथ साथ अभी इवनिंग है तो लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम यूज़ कर लिए। और पहले से ही हम मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिए थे तो अभी नहीं करेंगे, अभी आईब्रोज बनाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग देखते रहिए मेरा ये वाला गेट रेडी विद मी। आई हैव डन माई आईब्रोज, नाउ आई एम गोइंग टू मेक आई शैडो। नेक्स्ट अभी हम इसको थोड़ा सा चिकन पे और नोज पे भी लगा लेंगे। नाउ लिप्स का बारी है। फर्स्ट आई नीड टू मेक आउटलाइन, सी द आउटलाइन। नाउ दिस इज द लिप कलर, आई एम अप्लाइंग दिस कलर। सो अभी आंख में आई थिंक सो कौन सा वाला काजल डालना है कि नहीं है, सो लेट मी चेक इट आउट माई ड्रेस। नेक्स्ट आई एम शॉटिंग के व्हाट काइंड ऑफ आईज मेकअप।
ये वाला आउटफिट हम पहन लिए और इसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि हेयर हम टाई अप करके जाए क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ही है एंड आई डोंट नो कि एसी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आई थिंक सो कि हेयर ओपन करके जाना और अभी आई थिंक सो हेयर टाई अप करके ही जाए, अच्छा ही लगेगा। और थोड़ा सा हेवी इयर रिंग्स पहन लेते हैं तो बस हो जाएगा। और ये देखिए इतना सा हम काजल लगा लिए तो बस इतना ही रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। सो दैट्स इट, अभी हेयर टाई अप कर लेंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन सा वाला गिफ्ट लेके जाना है। सो गाइस दिस इज़ द गिफ्ट, दिस इज़ वन कैसरल टाइप ऑफ टिफिन बॉक्स, तो अभी इसको हम रैपिंग पैक कर रहे हैं। सो गाइस ये है, ये वाला पैकेट के अंदर करके लेके जाना है। सो इधर देखिए कितना अच्छा सा बर्थडे वाला केक था, ये मेरे बेटे के जो बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए, तो इसका नाम गौरव है और हम लोग बहुत ही अच्छे मतलब रिलेशन में है, बेटे का बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है, तो उसका मम्मी जो भी अरेंजमेंट किए थे वो मेरे बेटे का बर्थडे का जैसे हुआ था। बाय द वे मेरे बेटे का जो बर्थडे हम मनाए थे उस टाइम मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था, तो मतलब क्लिपिंग्स इधर उधर ऐसे करके लिया गया, वो हम समेट के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये वाला व्लॉग देख लीजिए और इधर जो भी मतलब किए थे वो हम जैसे अपने बेटे का बर्थडे टाइम किए थे थोड़ा सा सेम रखे ही उसके मम्मी ने किया, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग मतलब एक दूजे का मतलब जो भी है शेयर करके ही कर लेते हैं, वैसा ही होना चाहिए। और दे आर सो एंजॉयिंग, दीज आर द ओल्ड फ्रेंड ऑल टुगेदर सिटिंग एंड दे नोस के हम वीडियो मतलब बनाते हैं व्लॉग बनाते हैं, लेकिन हम उतना भी सबको मतलब बताए नहीं अभी तक, तो देखते हैं आगे कितना हद तक क्या कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इधर देखिए मतलब हम भी ले रहे थे, सब कोई ले रहा था जो बर्थडे है, बर्थडे बॉय एकदम से डर गया, वो वाला जो स्प्रिंकलिंग कैंडल जल रहा था इसके वजह से। तो अभी आप लोग देखिए ये वाला सेगमेंट और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो देखते रहिए ये वाला व्लॉग। अभी देखिए मेरे हाथ में दोनों कैमरा था, तो उन लोगों का कैमरा का पोजीशन सही में था लेकिन मेरे कैमरा का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर हो चुका था, इसके वजह से आई एम रियली वेरी सॉरी। तो फुटेज अगर क्लिप्स कट कर देते तो कोई मायने ही नहीं रखता। तो इधर देखिए वो मम्मी पापा को खिला रहे थे इधर से, और उनका जो कैमरा था वो हम सही तरह से पकड़े थे और मेरे हाथ में जो मेरा कैमरा था वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, बस इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और इधर देखिए बच्चे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। सो जस्ट नाउ वी आर रीचिंग इन द होम, अभी 10:05 हो रहा है रात का,
नाउ वी आर टेकिंग दैट आवर डिनर, क्योंकि डिनर हम लोग उधर किए नहीं, बहुत लेट हो रहा था और वो लोग पार्सल सिस्टम किए थे डिनर के लिए खास करके, तो दे हैव सेंडिंग दैट पार्सल, तो वी पीपल कैरी द पार्सल. तो अभी हम लोग घर लौट के आ गए और फिर मिलते हैं कल. और मेरा ये वाला ब्लॉग आप लोगों को देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा ये वाला नीचे गिर गया. तो मेरा ये वाला ब्लॉग कल आप लोगों को मतलब पास चला जाएगा, ज़रूर देखिए आज का दिन हम लोगों का कैसा रहा. और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना पड़ेगा. नो, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए हैप्पी रहिए, सेफ रहिए, हमेशा हंसते रहिए और गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल.